अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, दिस इज डॉक्टर यामिन कोचा और आज हम बात करने जा रहे हैं कि पाकिस्तान के अंदर कोरोना वायरस की कौन कौन सी वैक्सीन्स लगाई जा रही हैं। लेकिन इससे पहले अगर आपने हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को लाइक करें और बेल आइकन को क्लिक करें, शुक्रिया। करंटली पाकिस्तान में 6 किस्म की वैक्सीन्स लग रही हैं। एक है साइनोवैक, साइनोफार्म, कैंसिनो, ये तीनों वैक्सीन्स जो है वो चाइना से बिलोंग करती हैं और एक वैक्सीन है एस्ट्राजेनिका जो यूके से बिलोंग करती है, एक फाइजर की वैक्सीन है जो यूएसए से बिलोंग करती है और एक रशियन वैक्सीन है जो प्राइवेटली लगाई जा रही है जिसको हम स्पुतनिक वी के नाम से जानते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं साइनोफार्म के बारे में। साइनोफार्म वो वैक्सीन है जो पाकिस्तान में सबसे पहले मुतारिफ करवाई गई, चाइना की तरफ से ये वैक्सीन जो है पाकिस्तान को गिफ्ट की गई और तमाम ही हेल्थ केयर वर्कर्स को ये वैक्सीन लगाई। साइनोफार्म के दो डोजेज होते हैं, फर्स्ट डोज और सेकंड डोज के दरमियान 21 डेज का डिफरेंस होता है, यानी आपने फर्स्ट डोज लगाया उसके 21 डेज के बाद आपने दूसरा डोज लगाना है और इसकी जो एफिकेसी है वो 79% है। उसके बाद हम बात करते हैं एक और चाइनीज वैक्सीन की जो साइनोफार्म के बाद पाकिस्तान में आई, जिसका नाम है कैंसिनो। कैंसिनो वो वाहिद वैक्सीन है जिसका सिर्फ सिंगल डोज है, यानी दो डोजेज आपने नहीं लगवाना है, 21 डेज का कोई आपने गैप नहीं देना, सिंगल एक डोज जो है वो इसका होता है और इसकी एफिकेसी है 65.7%। उसके बाद हम बात करते हैं एक और चाइनीज वैक्सीन की जिसे हम कहते हैं साइनोवैक और करंटली पाकिस्तान में 40 ईयर्स के अंदर जितने भी लोग हैं उन सबको ये वाली वैक्सीन लगाई जा रही है साइनोवैक और इसकी एफिकेसी 50% है। उसके बाद हम बात करते हैं एक यूके बेस्ड वैक्सीन की जिसका नाम है एस्ट्राजेनिका। एस्ट्राजेनिका वो वैक्सीन है जो हमारे पाकिस्तान में मेजॉरिटी ऑफ वैक्सीनेशन सेंटर्स पर जो पीपल अबव 40 इयर्स एज हैं उनको लगाई जा रही है और इसकी एफिकेसी 60-90% है। ये भी दो डोजेस पर मुश्तमिल है, फर्स्ट डोज के बाद आपने 12 वीक्स का गैप देना होता है। जी 12 वीक्स का आपने गैप देना होता है और 12 वीक्स के बाद आपको इसका दूसरा डोज लगता है। उसके बाद हम बात करते हैं फाइजर वैक्सीन के बारे में। फाइजर वैक्सीन यूएसए बेस्ड वैक्सीन है जिसे फाइजर कंपनी ने जो है वो डिज़ाइन किया है, फॉर्मुलेट किया है और फाइजर वैक्सीन वो वैक्सीन है जिसकी एफिकेसी तमाम वैक्सीन में सबसे ज़्यादा है जो कि 95% है। इसके भी दो डोजेज हैं, फर्स्ट डोज के 21 डेज के बाद आपने दूसरा डोज लगाना होता है और ये फाइजर वैक्सीन भी पाकिस्तान में आ चुकी है और कुछ मकाम पर फिलहाल लगाई जा रही है। उसके बाद सबसे आखिरी वैक्सीन के बारे में बात करूंगा जो कि प्रायोरिटी लगाई जा रही है, एंड इट इज रशियन वैक्सीन जिसे हम स्पुतनिक वी कहते हैं। स्पुतनिक वी भी वो वैक्सीन है कि जिसके आपने डोजेस जो है वो इस तरह लगाने हैं कि फर्स्ट डोज के 21 डेज के बाद आपने दूसरा डोज लगाना है और इसकी एफिकेसी भी 92% है। तो मैं आप तमाम से यही गुजारिश करूंगा कि आप सब वैक्सीन लगवा लें क्योंकि आगे जाके आपका ट्रेवल्स से रिलेटेड, खासतौर पर यूनिवर्सिटीज में जो स्टूडेंट्स जा रहे हैं और जो किसी मल्टीनेशनल कंपनीज में जॉब कर रहे हैं उन तमाम की जो है वो रिक्वायरमेंट आ गई है और मेजॉरिटी ने इस पर अमल भी करना शुरू कर दिया है कि आपने वैक्सीन लगवाई है तभी आप हमारे यहाँ काम करेंगे। उनको एक टाइम फ्रेम दे दिया कि 15 डेज में, 20 डेज में या 1 मंथ में आप वैक्सीन लगवा के हमें रिपोर्ट करें। तो ज़रूर वैक्सीन लगवाएं और खुद को भी कोरोना से सेफ करें और पूरे पाकिस्तान भी कोरोना से सेफ। थैंक यू सो मच।